Morning student, today I am going to start new chapter, the scholar's mother tongue. In previous video, I sent you Hiawatha poem video. I hope you all have seen. In this chapter is second part, today I am going to start. A learned Pandit once visited, What is meaning of scholar? In first word, meaning of scholar. Meaning of scholar, a person who has highly educated. A person who has highly educated. जो पर्सन हाईली एजुकेटेड मीन्स बहुत सारा पढ़ा हो, जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, उसको बोलते हैं स्कॉलर. अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड. तो इन आई हैव गिवन द मीनिंग ऑफ स्कॉलर. नाउ फर्स्ट लाइन इज अ लर्न पंडित. वंस लर्न पंडित, लर्न मीन्स a person who has a lot of knowledge. In first I told you scholar, a person who is highly educated. जो person बहुत सारा पढ़ाई किया हो, बहुत educated हो, हर बात आती हो उसको. Number two, learn. A person who has a lot of knowledge. लर्न की मीनिंग क्या है? जिस पर्सन को हर बात का नॉलेज हो, हर लैंग्वेज आती है, हर भाषा आती हो उसको, तो वो बोलेंगे हम लोग, वी टेल दैट अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज. वंस इन अ कोर्ट ऑफ अकबर, एक बार एक पंडित अकबर की कोर्ट में आया. वन पंडित मैन ऑफ नेम, ही केम टू द अकबर कोर्ट. ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैज मास्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्या बोला? कोर्टियर्स में आके बोलते हैं इस वहां पे आकर कि मुझे सब भाषाएं आती है, मैं सब भाषाओं में मास्टरी की है. मास्टरी मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. ओके, मास्टरी मीन्स हैविंग मास्टरी मीन्स हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज. जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, दैट वी कॉल हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. फ्लुएंट मीन्स इजीली, जिसको सब भाषा अच्छे से बोलने आती हो. क्या बोलने आती हो? फ्लुएंटली, FLUENTLY. फ्लुएंटली मीन्स इजीली. फ्लुएंट मीन्स जो भाषा हमको अच्छे से आती हो. अभी आप इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी आप छोटे हो. व्हेन यू कम इन हायर क्लास यू टॉक इन इंग्लिश वेरी इजीली, आपको अच्छे से आ जाएगी. अच्छा, आप गुजराती हो, अपनी आप मदर टंग गुजराती है, फिर यू टॉक गुजराती वेरी इजीली, आपको अच्छे से आ जाएगी क्योंकि वो आपकी मदर टंग है. बट दिस पंडित हैज टू मच नॉलेज. उसको हर भाषा का नॉलेज था, लॉट ऑफ नॉलेज था कि किस भाषा में कैसे बोलते हैं. ही वाज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज. वो ऐसे बोला था कि मैं ऐसे सब भाषा बोलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा कि मेरी मदर टंग क्या है, मेरी लैंग्वेज कौन सी है बोलने की, कोई को भी मालूम पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको हर भाषा एवरी लैंग्वेज ही नो वेरी वेल. जो भी लैंग्वेज थी उसको अच्छे से आती थी. नाउ ही चैलेंज एवरीबॉडी. चैलेंज मींस डायरेक्ट, चैलेंज मींस डायरेक्ट. वो सबको चैलेंज दे रहा था कि आप बताओ कि मेरी लैंग्वेज कौन सी है, क्योंकि उसको हर लैंग्वेज का नॉलेज था. He know every languages. Then he send it to everybody who will tell me
तो व्हाट इज माय लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज कौन सी है मुझे आप बताओ। ठीक है एवरीबॉडी, द कोल्ड नेम इज मदर टंग, बोला मुझे बताओ कि मेरी मदर टंग कौन सी है। सबको वो अकबर के कोर्ट में आकर वो चैलेंज कर रहा था। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अप टू द बीरबल, जब सब ने फेल हो गए, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा था, नोबडी नोस व्हाट लैंग्वेज ही हैज, मदर टंग हैज, ऑल आर फेल्ड, देन फेल्ड मींस अनसक्सेसफुली, फेल्ड मींस अनसक्सेसफुली, फेल्ड अन सेक्स फुली, सब लोग अनसक्सेसफुल हो गए, किसी को भी नहीं मालूम पड़ा था, नोबडी नो व्हाट पंडित मदरटंग वॉज, किसी को मालूम नहीं था कि मदरटंग की क्या है, सब लोग फेल हो गए। देन टेकन बाय द बीरबल, फिर क्या किया, अभी बीरबल को बोला कि भी आप बताओ। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम व्हेन ही वाज एस्लीप, एक दिन वन डे वन नाइट व्हेन द पंडित वाज स्लीपिंग क्वाइटली ही गॉन टू द पंडित रूम, हु गॉन, बीरबल, बीरबल गॉन टू पंडित रूम व्हेन ही वाज स्लीपिंग, whispered into the pandit ear and ticked it with the feathers. Whispered means spoke softly. Whispered means spoke softly. Whispered means spoke softly. When he was gone in the room, feather कोई पंख लिया उसके ears पे उसने किया उसने. पंडित ईयर एंड टिक विद हिज फिंगर, फिंगर के साथ उसके कान में ऐसे से फूंका। द पंडित हाफ अवे क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट द वर्ड इन मदर टंग, पंडित हाफ अवे मींस आधे नींद में से वो उठ गया, ही वेक अप एंड क्राइड एंड सडनली वो रोने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, वो अपनी भाषा में बोलने लगा जो उसकी लैंग्वेज थी। Birbal came to the court the next day and told everyone that Pandit mother tongue was Telugu. Next day, Pandit ki language kya thi? Birbal know very well. Then next morning, when Birbal entered in the court, he told to everybody ke Pandit ki caste language kya hai? Telugu. Uski language kya mother tongue kya thi? Telugu. How he knows? When he was sleeping. And then Birbal came to the in the room and quite put in the ears feathers. उसके कान में फीडर डाले, वो उठ गया, suddenly he was cried and he told when he talking in his mother tongue. Then Birbal knows what was his mother tongue. And next morning he came to the Akbar court and is telling to everybody the Nehru's boss was the Telugu. Everyone, Madanak was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. Accepted means admitted. Accepted means admitted. Accepted means admitted. The truth, वो बोला कि truth means such. तो वो Pandit was surprised. How he knows Birbal, my language is Telugu. वो surprised हो गया सुनकर. King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? अभी वो पूछता है, Akbar is asking to Birbal, how you know truth that the Pandit was Telugu? Truth means fact. Truth means fact. सच कैसे मालूम पड़ा कि नेहरू पंडित was Telugu? Birbal answered, in time of difficulty, a person speaks only his mother tongue. Birbal is telling to Akbar, जब भी किसी को भी परेशानी होती है, तो अपने मुंह में से अपनी लैंग्वेज की जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो हम बोल पड़ते हैं, वो हम स्पीक कर देते हैं। He also told the king how he has gone to the pandit room at night to find out the truth. उसने ये भी बोल दिया कि मुझे कैसे मालूम पड़ा। He told truth to whom? To Akbar. कि when he was sleeping. At night, I was gone quietly in his room. I put a feather in his ears, and he was suddenly get up, and suddenly he cried, and he speak in the her
mother tongue. That at that time I know the what is mother tongue. Do you know what is the moral of story? Everybody know what a language is there. Nobody talk lie. Anybody will not talk lie. Every time we speak truth. Understand? Now this chapter is over here. If you have any doubt in this chapter, you ask me on any section. And I humble request to you, you all student, please read the book carefully. When the video watching, after watching the video, you must open your book and see that words, whatever I written in the green board here, you read thoroughly.